आज एक बार फिर मैं आपके साथ एप्लीकेशंस ऑफ सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी, जिसमें दूसरी एप्लीकेशंस मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं वो कैसे हम पा सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी पाने के लिए ये वीडियो लेके मैं आज आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। तो देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी फॉर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। तो दोस्तों, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस ये दूसरी एप्लीकेशंस हम देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने एप्लीकेशंस ऑफ सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के वीडियो में डिटरमाइनिंग हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में कुछ जानकारी पाई थी, और ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की जो एप्लीकेशन है वो भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों सुनिए, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। दोस्तों मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जिसके अंदर ये पॉइंट, ये जानकारी आप सबके लिए बहुत बहुत मायने लगती है। मॉलिक्यूलर मोशंस इंक्लूडिंग ट्रांसलेशंस, रोटेशंस एंड वाइब्रेशंस। दोस्तों मॉलिक्यूलर की मोशन कितनी प्रकार की हो सकती है, तो उसमें ये ट्रांसलेशंस, फिर रोटेशंस एंड वाइब्रेशंस, ये तीनों प्रकार की मोशंस कोई भी मॉलिक्यूल में होती है। सो द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशंस, दैट इज इक्वल टू 3m, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, राइट, एंड 3 फॉर x कोऑर्डिनेट्स, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शंस, राइट। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n बनती है। आउट ऑफ दिस 3n, 3 रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशन, ठीक है, इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शंस। तो इसमें ये जो 3n मोशंस है, कुल मोशंस, उसमें तीन जो है वो ये ट्रांसलेशंस इन x, y एंड z डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा लीनियर मॉलिक्यूल जो होता है, तो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैव टू रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये लीनियर है, एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैव 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो दोस्तों ये लीनियर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए दो अलग अलग टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। वो कौन सी होती है, तो फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, दैट इज 3n माइनस 2 माइनस 2, दैट इज 3n माइनस 5 फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस आर 3n माइनस 3 माइनस 3, दैट इज 3n माइनस 6। तो ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है कि लीनियर मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हम 3n माइनस 5 लेंगे, एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स जो है उसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस 3n माइनस 6 मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में आगे बढ़ने के लिए ये जो H2O का मॉलिक्यूल मैंने पसंद किया है, हियर द कैरेक्टर टेबल ऑफ C2V का कैरेक्टर टेबल दोस्तों है, फॉर एग्जांपल ये H2O का मॉलिक्यूल है, तो H2O जैसे सभी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका पॉइंट ग्रुप C2V बनता है, और C2V पॉइंट ग्रुप में EC2Z, सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ, ये चार सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं, उसमें
एक दो तीन और चार क्लासेस ऑफ सिमेट्री है, क्लासेस ऑफ पॉइंट ग्रुप. ओके, सो सी टू वी शोज वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शंस इन बोथ आयर एंड रामन. इट इज को इंसिडेंट केस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री आई. उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आई नहीं है. और दूसरा जो मॉलिक्यूल है दोस्तों SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, वो भी ए बी टू टाइप का बेंट मॉलिक्यूल है. सो H2O, SO2 ये सब एक ही पॉइंट ग्रुप वाले C2V वाले मॉलिक्यूल्स है. तो ये सभी मॉलिक्यूल जो ए बी टू बेंट है वो सभी शेप वाले मॉलिक्यूल्स जिन जिन का पॉइंट ग्रुप C2V होता है वो सबके लिए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस इसी हिसाब से निकालने होते हैं. नंबर ऑफ एटम्स तीन होते हैं, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3. सो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस विल बी 3n-6 क्योंकि ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है. सो 3n-6, 3. दैट मींस हम जब गिनती करते करते आगे बढ़ेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस 3n-6 यानी कि 3 ऐसे वाइब्रेशंस मिलेंगे. ठीक है दोस्तों, इसकी भी हमें थोड़ी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है. तो ये सारे सिमेट्री ऑपरेशंस है और ये सारी जो उसकी काय वैल्यूज़ मैंने लिखी है, काय वैल्यूज़ का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन इन कैरेक्टर्स, दैट इज़ काय. ओके, तो ये भी हमें गिनती के लिए कुछ मदद कर सकता है. दोस्तों अब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में और आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल C2V में आप देख सकते हैं देर आर ई सी टू सिग्मा एक्स जेड एंड सिग्मा वाई जेड. दीज फोर आर सिमेट्री ऑपरेशन एंड C2V लाइक H2O SO2, राइट. तो उसका गामा 3n जो बनता है वो 9-1, 3 and 1 उस तरह से बनता है. ये भी हम बहुत पहले अगले प्रीवियस वीडियोस में जानकारी ले गए हैं हम लोग. ठीक है, द अबव रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. दोस्तों ये गेमा 3n जो है वो 9-1, 3, 1, दैट इज रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, एंड इट इज समटाइम्स कॉल्ड गेमा 3n बिकॉज इट रिड्यूसिस टू ऑल 3n मोड्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशंस. क्योंकि ये जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. और इस गामा 3n की मदद से हम अगर हम गामा 3n फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स रिड्यूस करें तो दोस्तों हमें 3a1 a2 3b1 एंड 2b2 मिलता है. तो ये हमने कैसे पाए, क्योंकि ये जो इक्वेशन था मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थियरम से हमें मिलता है. इस इक्वेशन का यूज़ करके अगर हम रिड्यूसिबल में से इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाले तो हमें इतने सारे मिलने वाले हैं. ये सारे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस जो 2+3+1+3 दैट इज 9, तो ये 9 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हमें मिलेंगे. गेमा 3n फॉर वाटर मॉलिक्यूल 3a1+a2+3b1+2b2 मिलेंगे. नॉट दैट देर आर 9 मोड्स ऑफ मोशन. ठीक है, दिस इंक्लूड्स वाइब्रेशंस रोटेशंस एंड ट्रांसलेशनल्स. ठीक है, तो ये सारे जो हमें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस जो 9 मिले, ये 9 मोड्स मिले, उसमें दोस्तों गेमा 3n है ये. इसका मतलब ये हुआ कि गेमा 3n दैट इज उसमें वाइब्रेशंस भी है, रोटेशंस भी है एंड ट्रांसलेशनल्स भी है. तो हम अगर आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के लिए तो हमें ये वाइब्रेशंस पाने के लिए ये सारे जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसमें से रोटेशंस वाले और ट्रांसलेशंस वाले निकालने होंगे. ठीक है,
तो उसके लिए हम और भी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये C2V का जो ये गेमा 3N वाला टेबल है वो मैंने आपके सामने यहाँ रखा है। हम गेमा 3N कैसे पाते हैं, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम ड्यूरिंग एवरी सिमेट्री ऑपरेशंस, तो इसमें तीन है, इसमें एक है, इसमें एक है और इसमें एक है, और उन सब का काय वैल्यूज उसके साथ हम गिनती करें, तो क्योंकि एज वी नो दैट द काय वैल्यू ऑफ ई दैट इज 3, तो 3 × 3 दैट इज 9। इसी तरह से इसका -1 है काय वैल्यू, और नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम 1 है, तो यहाँ पर गेमा 3N मिलेगा -1। सिग्मा XZ का कैरेक्टर मिलेगा 1 और सिग्मा YZ का 3, तो ये गेमा 3N हो गया। अब ये गेमा 3N का यूज़ करके हम आगे बढ़े, तो दोस्तों ये देख सकते हैं, अगर हम गेमा ट्रांसलेशनल दैट इज सम ऑफ TX, TY एंड TZ, तो TX, TY एंड TZ अगर हम X के लिए गिनती करें तो E में 1 माइनस 1 C2 में, सिग्मा XZ में 1 और सिग्मा YZ में -1 मिलेगा, ठीक है। ट्रांसलेशनल वेक्टर TX, ये ट्रांसलेशनल वेक्टर TY मिला हमें, ये TZ मिला, तो ये जो तीन हमें मिला वो TX, TY एंड TZ दैट इज गामा ट्रांसलेशंस, ठीक है। अब हमें ये ढूंढने हैं गामा रोटेशंस, तो RX अगर हम करेंगे E के ऊपर, C2 के ऊपर, सिग्मा XZ के ऊपर एंड सिग्मा YZ के ऊपर, तो हमें RX के कैरेक्टर 1 माइनस 1 माइनस 1 1 मिलेंगे, RY के 1 माइनस 1 1 माइनस 1 मिलेंगे, इसी तरह से RZ के 1 1 माइनस 1 एंड माइनस 1 मिलेंगे। तो इसी हिसाब से दोस्तों अगर हम इसका सम ले तो हमें गेमा रोटेशंस प्लस गेमा ट्रांसलेशंस यहाँ मिलेंगे, तो ये सारा जो है उसका समेशन लेंगे तो 6, इसका लेंगे तो -2, इसका 0, इसका 0। इस हिसाब से गामा रोटेशन प्लस गामा ट्रांसलेशन हमें मिलते हैं 6 − 2 = 0, ठीक है। और अब हमें गामा वाइब्रेशंस के लिए आगे बढ़ना है, तो गामा वाइब्रेशंस, क्योंकि गामा 3N गामा वाइब्रेशंस प्लस गामा रोटेशंस प्लस गेमा ट्रांसलेशंस, तो गेमा वाइब्रेशन अगर हमें ढूंढना है, पाना है, तो ये इक्वेशन हमें हेल्प कर सकता है। सो गेमा वाइब्रेशन इज इक्वल टू गेमा 3N माइनस गेमा रोटेशंस प्लस गेमा ट्रांसलेशंस, ठीक है। और भी आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों ये गेमा 3N है। अब हमारे पास ये टेबल फाइनल हो गया गेमा वाइब्रेशंस की गिनती करने के लिए, ठीक है। तो ये गेमा 3N जो कि अगली प्रीवियस स्लाइड में आपने सीख लिया, ये गेमा रोटेशन प्लस गेमा ट्रांसलेशन ये भी अगले स्लाइड में हमने देख लिया। अब हमें गेमा वाइब्रेशंस चाहिए, तो गेमा वाइब्रेशंस इज नथिंग बट गेमा 3N माइनस दिस, तो 9 में से 6 माइनस होंगे 3, -1 −+2 दैट इज +1, 1 − 0 = 1, 3 − 0 = 3, तो इसी तरह से हमारे पास गेमा वाइब्रेशंस क्लियर कट यहाँ पर 3 − 1 − 1 − 3 मिल गया। तो दोस्तों अब हम ये जो कैरेक्टर्स है गेमा वाइब्रेशंस के, उसको ये इक्वेशन की मदद से हम कितने कितने इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस कितनी संख्या में, कितने नंबर में मिलते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, जिसमें पहली मेथड मेथड 1 मैंने इस स्लाइड में, इस वीडियो में एक्सप्लेन की है, ठीक है। दूसरी मेथड के लिए मैं आपके सामने एक दूसरा वीडियो लेके बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेथड 1 है, क्योंकि हमारे पास ये टेबल तैयार हो गया, तो अब हम मेथड 1 के जरिए ये मोलिकुलर वाइब्रेशंस निकालेंगे। तो दोस्तों अब देखिए हमारे पास ये टेबल आ गया है, तैयार हो चुका है, और हमारे पास कैरेक्टर टेबल ऑफ C2V भी तैयार है,
ठीक है, अब हमें इसी इक्वेशन के जरिए इसके सारे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस कितने कितने मिलते हैं वो सारे निकालने हैं। दोस्तों मैं एक साथ ही आपके सामने ये इक्वेशंस रखता हूँ। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले ये A1 C2 में अगर आप देखेंगे तो A1 A2 B1 B2 देर आर फोर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। लेकिन हमें क्या करना है, ये चारों जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस है वो कितनी संख्या में मिलते हैं अगर हम उसकी गिनती करना चाहे, उसकी संख्या पाना चाहे, तो हम देख सकते हैं A1 फिर हमने इक्वेशन रखा, A2 फिर हमने इक्वेशन रखा, AB1 फिर हमने इक्वेशन रखा और AB2 फिर हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखा। ये सारे इक्वेशंस में 1/H इज नंबर ऑफ और ऑर्डर ऑफ, दैट इज H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस पॉइंट ग्रुप। तो ये पॉइंट ग्रुप जो है कैरेक्टर टेबल और पॉइंट ग्रुप C2V उसका ऑर्डर कितना है, 1, 2, 3, 4 चारों सिमेट्री ऑपरेशंस एक ही संख्या में हैं तो ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप दैट इज H इज इक्वल टू 4, तो 1/4। अब देखिए चारों में मैंने पहली फिगर जो रखी है 1, 1, 1 एंड 1 देख सकते हैं, तो वो कौन सी रखी है, तो सिमेट्री ऑपरेशन का जो यहाँ पर नंबर है उसका क्रम है NR, E कितनी संख्या में है, तो एक संख्या है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए C2 भी एक है, सिग्मा V भी एक है, सिग्मा XZ भी, YZ भी एक है, इसलिए पहली फिगर 1, 1, 1 एंड 1। दोस्तों यहाँ पर दूसरी फिगर क्या इंडिकेट करती है, तो दूसरी फिगर है चारों में A में रिप्रेजेंटेशन, A में E में कौन सा कैरेक्टर है, +1, +1, +1 एंड +1। तो यहाँ पर E का कैरेक्टर 1, A2 का कैरेक्टर 1, सॉरी यहाँ पर देखिए 1, 1 फिर सिग्मा XZ का 1, सिग्मा YZ का 1, ठीक है। अब तीसरी फिगर क्या है, तो यहाँ पर 3 लिखा है दोस्तों, देखिए तो 3 गामा वाइब्रेशंस का कैरेक्टर है, ये 3 जो है वो यहाँ पर लिखा है। C2 में गामा वाइब्रेशंस 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा है, ये लास्ट फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सिग्मा XZ तो XZ में गामा वाइब्रेशन की कैरेक्टर 1 है तो यहाँ पर 1 है, और सिग्मा YZ गामा वाइब्रेशंस की कैरेक्टर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें A2 दैट मीन्स ये A2 जो रिप्रेजेंटेशन है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए अगर गिनती करना चाहे तो उसकी नंबर ऑफ नंबर ऑफ E C2 ये सारी की बातें यहाँ पर है। तो ये जो है E का नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन 1, 1, 1, 1 तो ये चारों में 1, 1, 1 एंड 1, ठीक है। अब हमें उसके कैरेक्टर लिखने हैं, A2 के कैरेक्टर्स हर एक सिमेट्री ऑपरेशन में, तो 1, 1, -1, -1 तो 1, 1, -1, -1। अब हमें ये चार लिखना है 3, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 3। अब यहाँ पर आते हैं AB1 तो B1 है तो पहले 1, 1, 1, 1 दूसरा 1, -1, 1, -1 तो दूसरी जो फिगर है 1, -1, 1, -1 फिर ये वाले लिखने हैं 3, 1, 1, 3, ठीक है। अब लास्ट वाला B2 तो उसमें 1, 1, 1, 1 तो लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे 1, -1, -1, 1 तो 1, -1, -1, 1 और तीसरी 3, 1, 1, 3 तो 3, 1, 1, 3। तो इसी हिसाब से हमें 2A1 मिलता है, यहाँ पर A1 टाइप के 2 मिलते हैं वाइब्रेशंस,
E2 के जीरो मिलते हैं, B1 के जीरो मिलते हैं और B2 के भी 1 मिलता है। तो यहाँ पर आखिर में गेमा वाइब्रेशंस 2A1 प्लस B2, 2A1 1, 1 B2, तो यहाँ पर 1 और 1, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें टोटल नंबर ऑफ गेमा वाइब्रेशंस 3 मिलते हैं, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर 3। तो इसी हिसाब से हमें ये 3 वाइब्रेशंस मिलते हैं। दोस्तों ये पूरा मैंने जो प्रयत्न किया है गेमा वाइब्रेशंस के लिए, अब ये दूसरी मेथड मैं अगले वीडियो में आपके समक्ष लेके आऊँगा, तब तक इंतज़ार कीजिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो मैंने आज आपके सामने रखा है वो सारा गेमा वाइब्रेशंस, जो कि सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी की बहुत अच्छी और बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है और एग्जामिनेशन के लिए भी वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, वो मैंने आपके सामने रखी है। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को बार बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयत्न करिए। थैंक यू, थैंक यू।